इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रिय दर्शनी विहार दिल्ली, एके जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश पार्ट वन, वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव दिल्ली। अनंत दुख एक पल में दूर हो जाएं, जो लोग दूसरों पर थोप करके दुखी होते हैं उनके लिए ऐसा सच्चा ज्ञान मिल जाए तो जहां है जिस स्थान पर है वो सुखी हो सकते। इसलिए महावीर स्वामी के अनंत उपकार है, आज तक परंपरा से गुरुओं के माध्यम से वो सच्चा ज्ञान हमें मिल रहा है। आप सच में भाग्यशाली जीव हो, सच में भाग्यशाली जीव हो। और मैं तुमसे कहा करता हूं कि दूसरों के लिए तालियां तो खूब बजाते हो, कभी अपने भाग के लिए भी ताली बजा लिया करो। अपनी किस्मत के लिए कि हमें जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, महावीर मिले, और इससे बड़ी खुशी क्या मिलेगी कि जिनके शासन में रह रहे उनका मंदिर भगवान मूलनायक महावीर स्वामी। सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, सारी दुनिया के भाग जाग जाएंगे, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। भक्ति करने का मन करो तो कर लेना। सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, सारी दुनिया के भाग आज वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे वीर आएंगे आएंगे। राजा सिद्धार्थ धूम धूम गाते हैं, नहीं जो अंदर बैठे
कर्म शत्रु हैं जिन्होंने अनादि से हमें पराजित किया है, हमें सदा हराया है, जहां ले जाना चाहा वहां ले गए, कभी नरक में, कभी देव में, कभी मनुष्य में, चारों गतियों में, कभी कर्मों ने रुलाया, कभी कर्मों ने हंसाया, कभी कर्मों ने दुख दिया, कभी सुख दिया, ऐसे कर्म जो हमें हराते रहे, हम पराजित होते रहे, ऐसे कर्मों को बलवान है, कर्म बलवान है, महाबलवान है, लेकिन हे प्रिय, तेरा बेटा उससे भी बलवान होगा जो कर्म शत्रु को भी हरा करके मोक्ष विजेता, मोक्ष नेता बने। और तूने जो अभी अभी स्वप्न देखा है, श्री जी का अभिषेक, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी का दो गज, दो हाथी, किसका अभिषेक कर रहे हैं, किसका अभिषेक कर रहे हैं, लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं। ये स्वप्न का फल है कि तेरा हमारा जो बालक होगा उसका पांडव शिला में एक तरफ से स्वधर्म, एक तरफ से ईशान इंद्र जो है अभिषेक कर रहे होंगे। ये व्यवस्था है, स्वधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर ले जाते हैं, पांडव शिला पर ले जाते हैं, आएगा वर्णन इसमें। तो श्री का अभिषेक का प्रतीक है कि हमारे बालक का जन्म होते ही कहां पर अभिषेक होगा, अस्पताल में नहीं। तुम लोग तो अस्पताल में अभिषेक कराते हो, बच्चे काम नहीं करते, काम चोरों इसलिए अस्पताल में होता है। थोड़ी सी मेहनत करो, काम करो, प्रभु का ध्यान रखो तो घर में ही बालक का अभिषेक होगा, शुद्ध जल, प्राशुद्ध जल, छने जल से उसका अभिषेक होगा। ऐसा करो कि वो भी इंसान, ऐसा अभिषेक। तो मैंने जो देखी द्वे माला देंगे, ये महाराज ने क्या कर दिया, इनका तो घर ही छुड़वा दिया। पांचवा स्वप्न देखती हैं, कौन सा, जो महिलाओं को बड़ा पसंद है, माला, हार माला, पुष्प माला। जैसे पुष्प माला पहनते हैं तो अपना तन सुगंधित हो जाता है, मन सुगंधित हो जाता है, मन प्रसन्नचित हो जाता है। माला पहनते ही, हार पहनते ही गले की शोभा बढ़ जाती है, चेहरे की शोभा बढ़ जाती है। वो पुष्पों की माला जो तुमने दो माला जो देखी, पुष्पों की माला जैसे वो सुरभित होता है, ऐसे ही हमारा जो बालक होगा उसकी तन से ऐसी सुगंध निकलेगी कि सभी लोग प्रसन्न चित हो जाएंगे। अभी तो हमारे शरीर से क्या निकलती है, परफ्यूम लगाओ। आजकल क्या चल रहा है, बोले महाराज फॉक चल रहा है, कमाल है। चारित्र की खुशबू होना चाहिए, ज्ञान की खुशबू होना चाहिए, संयम की खुशबू होना चाहिए। तीर्थंकर जो बने बनाए भगवान पैदा होते हैं, ध्यान रखना, ये सामान्य बालक नहीं होता है। कैसा बालक होता है, जो माँ के गर्भ में स्फटिक की पेटी बनी होती है, जो देवी द्वारा बनाई होती है, स्फटिक की मणि की प्रतिमा वेदी होती है, और उसके अंदर पद्मासन अवस्था में बैठे बालक होते हैं। पद्मासन अवस्था में बैठे बालक होते हैं, ऐसे सामान्य बालक नहीं, ध्यान रखना। तीर्थंकर बना बनाया भगवान पैदा हो रहा है, उसके तन से खुशबू सुगंधित वातावरण, माँ ने जो भोजन किया प्राशुद्ध शुद्ध भावों से किया, उसकी खुशबू उसके तन में आ जाती है। तुम अशुद्ध भोजन करते हो
तो तुम्हारे बच्चों में अशुद्धता आएगी, उनके तन में अशुद्धता आएगी, उनके मन में अशुद्धता आएगी। ध्यान रखो, सावधान रहो, पिंड शुद्धि रखो, गर्भ शुद्धि रखो। ये धर्म जैन धर्म है जहां मोक्ष कल्याण की पूजा नहीं, जहां गर्भ कल्याण की भी पूजा हुआ करती है। तुमने गर्भ में जो बालक को ला रहे, वो सिद्ध बन सकता है, मुनिराज बन सकते हैं, संत आत्मा महात्मा बन सकते हैं। इसलिए उस समय कभी गलत वस्तु का सेवन मत करो, रात्रि भोजन मत करो, शुद्ध भोजन, प्रासंगिक भोजन, और बड़े ही भक्ति भाव से लो। लड़ते हुए, झगड़ते हुए, रोते हुए, पीटते हुए, गाते हुए, फिल्मी गाना सुनते हो, कान में क्या लगाते हो उसको सुनते हुए, ये क्या है? नहीं नहीं, धर्म की बातें सुनो, धर्म की बातों को बोलते हुए सुनते हुए अपना भोजन ग्रहण करो, क्योंकि वो भोजन का जो रस है, उस रस को कौन ग्रहण कर रहा है? कौन? वो बालक ग्रहण कर रहा है जिसको इंसान बनना है, जिसको आगे चल के भगवान बनना है। इसलिए कभी भी गलत वस्तुओं का सेवन मत कीजिए, रात्रि भोजन मत कीजिए, अवक्ष का सेवन मत कीजिए, व्यसनों का सेवन मत कीजिए। अपनी पिंड शुद्धि रखिए, शरीर की शुद्धि रखिए, सुरगत बालक होगा, खिलखिलाता हुआ बालक पैदा होगा, प्रसन्न चित्त बालक पैदा होगा, जो तुम्हें भी प्रसन्न चित्त रखेगा और समाज और देश को भी प्रसन्न चित्त रखेगा, जिसके चेहरे को देखने से लोगों को आनंद आ जाए, जिसको जिसको देखने के लिए लोग तरसें, जिसकी एक झलक से व्यक्ति के तनाव दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए, अवसाद दूर हो जाए, ऐसा होनहार बालक। और जन्म ले तो चांदी के पाले में उसका जो है झूला झुलाना, मुनिराजों के पास ले जाकर के उसके कर्ण में नमोकार मंत्र सुनाना और उनसे संस्कारित कराना और उनके द्वारा नामकरण करना। देखना आपका बालक, आपकी बच्ची, बच्चे जो भी हैं, वो बड़े होनहार, कोई चंदन वाला, कोई मैना सुंदरी और कोई महावीर जैसे बालक बालिका पैदा होंगे। समझ में आया ना? दोय माला तन कैसा, कैसा तन? सुगंधे चंदन सम खुशबू वाला ऐसा शरीर प्रभु का होता है। और जो पूरे तारों के बीच में, जैसे देख रहे ऊपर, देखो तारे दिख रहे हैं, जरा आप तो उठाओ ऊपर, प्रधान जी ने कितने तारे लगा रखे हैं। हाँ, ऐसे समस्त तारों के बीच में कौन चमचमाता है, दमदमाता है? बोलो, चंद्रमा। चंद्रमा जैसे सारे तारे ही तारे हों, टिमटिमा रहे हों, और बीच में कौन हो? बोलो, चंद्रमा हो। ऐसे ही हमारा बालक कैसा होगा, जो समो शरण में ऊपर होंगे और 12 सभा लगेंगी, चंद्रमा की तरह रहेंगे और तारों की तरह हम सब लोग वहां बैठे होंगे। क्या सुंदर महिमा गाई है। ओ दिया चल पर सोरे निहारा, रवि सम ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने सूर्य को उदय होते देखा है? टीवी में नहीं, मोबाइल में नहीं, साक्षात पहाड़ों के बीच से या समुद्र के या नदी के ऊपर से निकल रहा हो ऐसा लालिमा युग, कितने लोगों ने देखा? जरा हाथ उठाओ, जिनने नहीं देखा कम से कम कल देख लेना भाई। लालिमा युग उसको बोलते हैं बाल सूर्य। क्या बोलते हैं? बाल, छोटा है, बाल है, लालिमा युक्त है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जब पूर्ण होगा तो तेज में आएगा अपने बाल सूर। ऐसे ही
हमारे बाल सूर तीर्थंकर होंगे, जिनकी उदय होते ही अंधकार अंधकार, रात्रि का कितना भी घनघोर अंधकार हो, सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे हमारा बाल सूर जन्म लेगा, जो संसार के लोगों के अंदर जो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है उसे दूर कर देंगे। ऐसे वीर का क्या होगा, जन्म होगा। माता बड़ी खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है। अच्छा, ऐसा बालक ओहो, गदगद हो रहे हैं। मन प्रसन्नचित होने के साथ साथ तन पुलकित हो रहा है और खुशियों में आंसू की धारा भी, खुशी होती है तो खुशी में भी क्या निकलती है, आंसू की धारा निकलती है। जो कलशों में निधियां भरी हुई हैं, ऐसा कलश देखा, कलश में क्या भरी हुई है, निधियां भरी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो बालक होगा वो निधियों का स्वामी भी होगा, महान वैभव से युक्त होगा। संसार का जितना बड़ा वैभव है, ध्यान रखना, चक्रवर्ती से भी बड़ा वैभव किसी का होता है तो वो किसका होता है, तीर्थंकर पद के सामने चक्रवर्ती का पद भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये तो तीन लोक के नाथ पैदा होने वाले हैं। सारा वैभव, निधियां, खजाना सब किसकी, बोलो, महावीर स्वामी की। तो सब कुछ किसका है, तुम्हारे पास आज जो है वो किसका है, बोलो। अरे महावीर के तीन लोक में रह रहे हो और तीन लोग के वो नाथ है, तो किसका है वो, तो क्यों बकते रहते हो, मेरा मेरा करते रहते हो, क्यों बोलते मेरा मेरा कहते हो, सब कुछ किसका है। ये गगन ये चमन सुख चैन अमन, ये गगन ये चमन सुख चैन अमन, सब कुछ महावीर तुम्हें से है, सब कुछ। दोनों हाथ ऐसे करो महावीर स्वामी के ऊपर। ये गगन ये चमन सुख चैन अमन, ये गगन ये चमन सुख चैन अमन, सब कुछ महावीर से है, तो मैं तारण तरण अरु कष्ट हरण, तो मैं अरु कष्ट हरण, मेरा बेड़ा पार से है मेरा पे। पीछे वालों बोलो, मोबाइल बंद करो, मेरा बेड़ा मई से है, ये गगन ये चमन सुख चैन अमन, ये गगन ये चमन सुख चैन अमन, सब कुछ महा मई से है, सब कुछ। जब चाहे दुख में रखन चाहे सुख में धरन, चाहे दुख में रखन चाहे सुख में धरन, मेरी नैया पार तुम्हें से है, मेरी नैया पार तुम्हें से है, तो मैं तारण तरण अरु कष्ट हरण, तो मैं तारण चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं।
और उनकी कथा से अपने में गुण पैदा करते हैं। उनकी कथा सुनने से पता है असंख्यात गुणी कर्मों की निद्रा होती है। महान पुरुषों की कथा सुनो तो हमारे जीवन में चरित्र पैदा होता है। वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणम बोल, वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणम बोल, वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। अर्थ मेरे अंदर अति तीव्र जिज्ञासा हो रही है।
आप चलते हैं पेज नंबर 5 छंद नंबर 12। मीन सहित सरवर को देखा हलचल करते हुए दो मीनों को देखा। हे प्रिय, जैसे मछलियां आनंद कर रही थी, आनंद में थी, ऊपर जाना नीचे आना अपनी मस्ती में रहती हैं। मछलियां हमेशा मस्ती में रहती हैं, यहां वहां भागती रहती हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। ऐसे ही हमारा पुत्र होगा जो आनंद स्वरूप होगा, सुखदा, सुख को प्राप्त होने वाला होगा, और स्वयं सुखी नहीं होगा, लोक में जो भी उनके शरण में आएगा वो भी सुखी हो जाएगा। ऐसा यह मीन देखने का फल है। अच्छा, और जो मैंने सरोवर देखा, शांत सरोवर, सरोवर देखा, शांत सरोवर देखा, बिल्कुल शांत, पानी की हलचल नहीं होती है तो शांत सरोवर कहलाता है। और ऐसे शांत सरोवर में यदि आप अपना चेहरा भी देखना चाहो तो चेहरा भी दिखाई देगा। कभी मान सरोवर का सरोवर जाकर देखना, गए हैं कितने लोग? बाबा जी गए हैं, इनसे पूछो, एक एक पत्थर, एक एक कंकड़ उसमें दिखाई देता है, दिखता है? कभी ध्यान से देखो, एक एक अंदर का पत्थर पड़ा हुआ, छोटे छोटे कंकड़ भी उसमें दिखाई देते हैं, शंख आदि जो पड़े होंगे वो भी दिखाई देते हैं। बोले, शांत सरोवर जो तुमने देखा और उसमें बहुत सारे जो वस्तु दिखी, इसका मतलब है ऐसे ही शांत सरोवर हमारा बालक होगा, और वो जो कंकड़ पत्थर दिखाई दिए उसका प्रतीक है कि प्रभु के शरीर में भी ऐसे शुभ शुभ लक्षण होंगे, शुभ लक्षण होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागर वाले बैंक एंक्लेव दिल्ली, श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, विनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोदार, पीडी विहार, दिल्ली, पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मीनगर, दिल्ली, राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232 दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली, श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एनक्लेव, लक्ष्मीनगर, दिल्ली, श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एनक्लेव, दिल्ली।